हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस साइड साक्षी दुंजल एंड मैं जा रही हूँ आज बहुत सुंदर जगह, पर उससे पहले नाश्ता. सो मैं जा रही हूँ बहुत सुंदर जगह आज कवर करने, एंड यू नो दैट्स वन ऑफ द वे, मतलब यू नो नॉन प्रॉपर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. गाइस मैं नहीं दूंगा खाने आई हूँ नीचे, बिकॉज ये हट जाएगा. किसी को शायद पता नहीं, हम ब्रॉडकास्ट करने के चक्कर में 3-4 बजे सो के भी सुबह सुबह उठना पड़ता है. यही लाइफ है आजकल. स्टार्ट करते हैं फटाफट से. बहुत भूख नहीं लगी, बिल्कुल नहीं लगी. सो गाइस, मैं अभी पुराने पूरे मतलब जो पुराना जयपुर है ना उस तरफ हूँ, एंड लुक एट दिस प्लेस. अब तो यहाँ पे काफ़ी चेंज हो गया है, मार्केट काफ़ी चेंज हो चुका है. पता है मैं जब पहले आती थी ना तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी इस एरिया में, बट अभी पता है टाइम के साथ साथ बहुत, मतलब मुझे लोग कहते हैं कि जयपुर दिल्ली की तरह बन रहा है. क्या आपको लगता है जयपुर दिल्ली की तरह बन रहा है? सो फाइनली रीचिंग एट देवी रतन, एंड इट्स टुक मी अराउंड वहाँ से तो 40-45 मिनट्स. अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो वही 4-4.5 घंटे का हिसाब लगा लो कि आप यहाँ पहुँचोगे. एंड दिस इज़ ए 5-star प्रॉपर्टी यहाँ की. सो आई डोंट नो हाउ विल बी इट, लाइक आई एम गोना शो यू वट एवर आई कैन हियर. अब ऊपर जाना है या इधर जाना है, कैसे ऊपर ही जाना. सो फाइनली रीचिंग हियर, एंड आई डोंट नो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, बट आई एम गोना टेल यू एवरी थिंग अबाउट दिस प्रॉपर्टी टूडे, लाइक जितना भी मेरे से हो सके, बिकॉज आई एम इन्वाइटेड हियर बाय फ्रेंड. जस्ट लुक एट द प्रॉपर्टी यार, रिसेंट दी प्रॉपर्टी इज अमेजिंग, ब्रेथ टेकिंग. वाव, आई जस्ट लव द इंटीरियर ऑफ द प्रॉपर्टी. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. मतलब देर आर मैनी बेस्ट डेज, बट दिस इज़ वन ऑफ देम. देवी रतन. प्रमोद मुझे कहाँ लेके जा रहे हो अभी आप? आपको भी प्रॉपर्टी बुक करवाओ. अच्छा, प्रॉपर्टी विजिट करवा रहे हो. तो प्रमोद आपको कितना टाइम हो गया वैसे? प्री ओपनिंग से ही मैम. ओपनिंग से ही हो? 20 acres में है प्रॉपर्टी, 100 बीघा. जंतर मंतर इन जो तो. अच्छा, आर्किटेक्चर बहुत फर्स्ट टाइम में बिल्डिंग है. अच्छा, ये 82 रूम्स का नया बन रहा है अभी. वाह, कितने एकड़ में बताएंगे आपने? 20 acres, 100 बीघा. ऑसम गाइस, की यही पे गेम से. हां जी, जयपुर रियल में. या आई हैव सीन दैट. हम फोटोग्राफी के लिए बहुत यूज करते हैं इसको. ये फॉरेस्ट एरिया है सारे, इसी में वही जो नेशनल पार्क बनने की बात हो रही है. हाँ, सफारी जरूर बात हो रही है. अच्छा, जो पब्लिक हो रखा है ऑनलाइन. ओके, सो गाइस यहाँ पे सफारी सून आने वाली है, बिकॉज़ यहाँ चीता दिखते हैं. ये अरावली हिल्स है. इस साइड में तो बहुत अच्छा होगा, पूरी अरावली हिल्स, पूरा माउंटेन व्यू है. ये अरावली हिल्स है पूरे. कितना बड़ा मैनेज करना पॉसिबल है, मतलब 23-24 इसमें मसाज रूम्स थे, वो सारे बंद हो गए. मतलब स्टार्टिंग में हम लोग के टाइम नहीं था. चलिए एस्टेब्लिश बताइए प्रॉपर, तो इसको क्या बैंक्वेट हम लोग कन्वर्ट करेंगे. सो गाइस चेक करोगे ना तो अगर पूरा हवा महल की तरह फील आता है, नॉट हवा महल बट जंतर मंतर ऑफ द जयपुर. सो अगर मैं अंदर की तरफ भी जाऊँ ना तो लुक एट दिस, इट्स एक्चुअली द सेम फीलिंग है ना. लेट्स लुक एट दिस यार. मतलब इट्स ओके, आई कैन मैनेज. चिल, लाइक लुक एट दिस वन, दिस लुक एब्सोल्युटली परफेक्ट, यू नो, फॉर द वेकेशंस राइट. मतलब मेरे को प्यार हो जाए इस जगह से. अगर मुझे चांस मिले ऐसी जगह रहने का तो मैं तो पता नहीं कितने दिन बिता दूँ, है ना. लुक एट दिस, वो हेलो. सो यू नो इट्स ऑल द इनर एक्टिविटीज प्लस द जिम एरिया. आई एम गोइंग टू चेक दिस वाला रूम आज. लेट्स सी द रूम. ओएमजी,
मैं तो बोलती हूँ ऑलरेडी, जो अच्छे होटल्स होते हैं, जो इतने प्यारे प्यारे होटल्स होते हैं, उसमें पूरा ट्रेडिशनल टच आता है. लुक एट दिस. अरे किसी के हैप्पी बर्थडे के लिए रूम डेकोरेटेड है ये तो. सो यू कैन गेट टच, यू नो, इफ समबडी वांट्स टू सेलिब्रेट, अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है. मैं तो मन कर रहा मैं 3-4 पिक्चर्स ले लेती हूँ और अपने बर्थडे पे पोस्ट कर दूंगी. मतलब मुझे ऐसा ही वॉशरूम चाहिए, कुछ इतना बड़ा, इतनी जगह हो उसके अंदर. माय बाथटब गाइस, कौन कौन बाथटब का फ़ैन है? मैं तो बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ बाथटब की. इट्स बीन लॉन्ग, मैंने बाथटब में खुद ही नहीं मारी होगी. सो इन्फॉर्मेशन कौन देगा? सो गाइस, दिस इज़ दी अनदर लग्जरियस रूम यहाँ का. एंड लुक एट दिस स्टाइल. एंड पता है इस रूम की खासियत क्या है? जो यहाँ की जयपुरी की आर्ट होती है ना, ठीकरी आर्ट. सो इट्स बेस्ड ऑन दैट. Isn't that room is amazing, right? प्रमोद की गाइस मैंने आज मेहनत ही करवा दी इधर से उधर. प्रमोद आप बहुत अच्छा गोल्फ कार्ट चलाते हो, इसको कितनी शर्म आ रही है. सो गाइस देखो, मतलब आई वॉन्ट से एनीथिंग, मतलब अगर राजस्थानी का पूरा टच है इनके कमरों में, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था. एंड लुक एट दिस आर्ट ऑफ द कल्चर. पता है इवन दो, पता जब हम कहीं जाते हैं ना, वी वॉन्ट समवेयर पेज, मतलब एक होता है ना पीस और एक प्यार हो जाए जगह से. एंड दिस इज द प्लेस एंड दिस रूम. मतलब ये कितने का रूम होगा? अराउंड कितने का रूम होगा ये प्रमोद? 20+ है. 20,000. अच्छा, ओके. एंड ये मतलब यू नो प्राइवेट स्टेट टू सिट आउटसाइड एंड एंजॉय द व्यू एंड टेक वॉक इन नेचर. मतलब मैं यहाँ पे ना, कोई मुझे रुकवा दो बस, मेरे को प्यार हो गया इस प्रॉपर्टी. चेक आउट द गार्डन. और अभी सफाई चल रही है तो आपको पता चल ही गया होगा, जो सामने मेरे पत्थर है ये कहाँ का है? ये वही पत्थर है जो हवा महल वाला, सेम टू सेम पत्थर है. तो सो दैट्स द पत्थर गाइस. यही लगा हुआ हवा महल में, यही लगा हुआ ना प्रमोद जी हवा महल में, ये लगा हुआ हवा महल में. गाइस चेक करो. सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक द बाथरूम. इसका बाथ, ये क्लोजेट है? अच्छा, तो इसका बाथरूम आई गेस और भी लग्जरियस होगा. आई एम रियली एक्साइटेड. वाओ, मुझे अपने पापा को सब बोलना पड़ेगा, मुझे ऐसा बाथरूम चाहिए. लुक एट दिस. इंसान घर ही नहीं जाएगा यार. लुक एट दिस वन, टच विद द नेचर एंड सो गुड. नेक्स्ट प्लेस एंटर करते हुए, दैट इज एक्चुअली द विला. एंड विला यहाँ का सबसे बड़ा है. हाँ. ये सबसे बड़ा है. और कितने एकड़ का बताया था प्रमोद आपने? 1900 square feet. खोलो ना. ओके, सो दिस इज एक्चुअली, दिस इज द लिविंग रूम एंड दिस इज सो अमेजिंग. ट्रस्ट मी, वाओ, द प्राइवेट होती होगी ना यू, मतलब ये नज़ारे देख देख के. दिस इज द प्राइवेट स्विमिंग पूल गाइस. This is actually the awesome, right? और पता है यहाँ पे गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है. Okay, ये किचन है. So people actually stay for this long कि किचन की नीड पड़ती है. So this is the kitchen. It's get inside the washroom. That's the closet. And look at this here. That, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं अभी के अभी जाके चेंज घुस जॉइंट्स के अंदर, मुझे ऐसी वाली फील आ रही है. गाइस जो आपको सामने नाम दिख रहे हैं ना, पेंट बॉल, मल्टी रॉप, और आपका
ट्रैम्पोलाइन आर्च क्या ट्रैम्पोलाइन एयर गन शूटिंग ट्रैम्पोलाइन तो मुझे नहीं पता वैसे क्या होती है वो जो ऊपर रस्सी पे चढ़ते हैं अच्छा ओके वो तो मैंने करी हुई है फिर आर्चरी जो होती है ना ये सारी गेम्स यहाँ पे अवेलेबल है और सबसे बेस्ट चीज़ ये जगह पेट फ्रेंडली है चले चलो प्रमोद जी चलो कौन सा गार्डन है हाँ हर्ब गार्डन ऑल राइट आइटम्स बेसिल पार्सले सारे यहाँ पे जाते हैं अच्छा तो आपका इन हाउस है ये हर्ब गार्डन फॉर दिस गेसिंग बट अभी कुछ नहीं अच्छा अच्छा ओके आई गेस पीपल गेट मोर अट्रैक्टिव टू वर्ड्स ना देन पता है मैं बिल्कुल ऊपर चढ़ के आई हूँ व्यू के लिए एंड लुक एट दिस व्यू दिस ये वो दूर कितने मिसमराइजिंग लग रहा है एंड जस्ट लुक एट दिस मतलब मुझे यहाँ लगता है यहाँ बैठने के लिए ना जिस जगह पे अगर आप बैठोगे ना तो सबसे बेस्ट चीज़ पता क्या होगी आपको पक्षियों की आवाज़ के गाने की आवाज़ सुनेगी और ये पूरा गार्डन का व्यू देता है प्लस जंगल का चलो अब डायरेक्ट रेस्टोरेंट चलते हैं जो कि उधर है वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ रेस्टोरेंट जो कि जिसका नाम है व्योम And it's amazing. Hello. Hello. एक तरह से पता है ऐसा लगता है जगह से प्यार हो जाएगा राइट अच्छा हाय अजय अच्छा आप वाराणसी में भी थे कभी कभी तो मेरे पास वर्ड्स कम पड़ जाते हैं सो दैट्स द मेन्यू So if you're looking for the menu, आप यहाँ पे रेट्स देख सकते हो प्रवीण ने मेरे लिए पास्ता ऑर्डर करा एंड प्रवीण पास्ता इज नहीं राजवीर सॉरी राजवीर ने किया मेरे को प्रवीण याद आ रहा अभी भी राजवीर ने किया राजवीर पास्ता वाज ऑसम अभी मिलियो ना राजवीर नाम याद करने में टाइम लगता है पास्ता इज एक्चुअली ऑसम राजवीर पूछने आया था कैसा है राजवीर ऑसम है और राजवीर amazing experience here yaar that's the property and that's me look at this time to say goodbye to this traditional and beautiful place wow the experience was amazing guys bye bye to this beautiful place and you know what's this This is horse. Hello Ashu ji. Ashu ji, यहाँ पे आप कितने टाइम से हैं? Ashu ji, आपके मुँह से बहुत स्मार्ट है. आपको तारीफ मतलब वो मिलती होगी कॉम्प्लीमेंट आपकी मुँहों पे. बहुत लोगों से मिलता है ना. आपके जैसे चाहने वाले बहुत आते हैं. बहुत अच्छा फीडबैक. फीडबैक मिलता है मुँहों के लिए. इसको ऐसे ही रखना क्योंकि बहुत अमेजिंग लगती है. So guys. मेरा फ्रेंड अफ्ताब आ गया फाइनली इतने दिनों बाद अफ्ताब मेरा दूसरा फ्रेंड सोहेल कहाँ है सोहेल को मैं मिस कर रही हूँ शाम को आ रहा है वो पक्का चल फोटो शूट करें फिर आप थैंक यू सो मच अफ्ताब इट मींस टू मी अ लॉट फॉर रेड कलर मिला तुम्हें गाइस पता है मतलब मैं हमेशा जयपुर में एक चीज बहुत नोटिस करती हूँ तुम्हारी लगाओ ना तुम यहाँ पे कहाँ चलना है कैसे पे लगाओगे और तुम चाह पे छोड़ दिए कार स्कूटी पर तुम कैसे इंसान हो यहीं खड़ी कर दो कैफे सामने ही है आ जाओ कैफे कैफे में फोटोग्राफी कराएंगे फिर ऊपर चढ़ के सबको खाली करा के हर बार की तरह हेलमेट उधर दोगे वहाँ सेफ अच्छा अच्छा भैया कहाँ है आ
मैं समझ गई, पर पता मैं ये चीज पहनती नहीं हूँ। So yeah guys, he's actually a tour guide. Oh my. You're traveling with your brother, really? I also travel with my brother, but I see really less foreigners traveling with their brothers. Really? Yes. So you know guys, this is Tattoos Cafe. And मेरे पीछे जो व्यू है ना, that is a हवा महल, and कितना प्यारा व्यू है. So you can actually get the pictures click right here, यहाँ बैठ के और पीछे व्यू के साथ, क्योंकि नीचे से वो चीज़ नहीं आएगी जो यहाँ से आ जाएगी, right? So guys, if you check the evening view now, it's like this, isn't it? Beautiful. मैंने आपसे एक लॉन्ग स्कर्ट ली है, पता है आपको? मैंने आपसे एक लॉन्ग स्कर्ट ली है. गाइस ये देखो, मतलब आप यहाँ पे थोड़ा सा एथनिक ज्वेलरीज ले सकते हो. मैंने आपसे एक लॉन्ग स्कर्ट ली है. कब? आज से. हम कब आए थे लास्ट टाइम जब हमारे साथ सब थे? हाँ, इन्हीं से ली थी ना. हाँ, मैं एक्चुअली इयररिंग्स परचेज कर रही हूँ. दीज आर लाइक लवली इयररिंग्स. और ये तो भैया ने मेरी ड्रेस से मैचिंग निकाल के दी है मुझको. मैं पूरा एग्री करती हूँ, मैंने आपसे पहले भी परचेज करा हुआ है, बट मैं चाहती हूँ कि आप ना प्राइस ना नॉमिनल लगाओ. मेरा क्रश है ये लड़का, इसने शादी कर ली. सोहेल, हमारी दोस्ती में कोई कमी रह गई थी? हम नेपाल से अब तक दोस्त थे यार. मतलब तुमने एक बार तो बोलते एक बार, मतलब तुमने पता है ना, तुम्हें सबूत है ना, मतलब इसने मुझे नेपाल में बोला था ना, साक्षी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है. वीडियो भी बनाई थी इन्होंने हमारी. मैं सोच रही हूँ ये वाला टॉप लेने की, और मैं आई हूँ इन भैया के पास जो कि मेन मार्केट में है. हवा हल्लो हंस लो थोड़ा सा, लोग लगेंगे इतने सारे मेरे को, मेरे को कहेंगे भैया को पकड़ के जबरदस्ती बिठाया हुआ है मैंने शूट के लिए. सो पता है गाइस, मुझे वैसे तो कलर ब्लू पसंद आया, पर भैया आप कौन सा कलर सजेस्ट करते हो? बोलो. अच्छा है, पता है मुझे ऐसा लगता है ब्लू मेरे पास ना बहुत सारे हो चुके हैं. सो तुम लोग क्या कहते हो? ये दोनों हमेशा ना मेरे साथ शॉपिंग में बैठे होते हैं हमेशा. तो गाइस हम आ गए हैं यहाँ की सबसे बेस्ट लोकल मार्केट, बट हमें रात को. सो यू नो यहाँ पे सबसे सस्ती चीज़ें मिलती हैं, घर के डेकोरेशन से लेके पर्स से लेके चूड़ियों से लेके इयररिंग से लेके सब कुछ. और मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ? मैं इस वक्त हूँ जल महल के बिल्कुल सामने. बट सो गाइस ये यहाँ का फेमस पान वाला है, और इसका पान खाने के लिए अब लोग दूर दूर से आते हैं. क्यों? चॉकलेटी पान. चॉकलेटी, चॉकलेटी पान. सर चॉकलेटी. तुमने पैक ही करवा लिया? अरे पैक करवा लिया. तो हम यही खाएंगे चॉकलेट. ओ माय गॉड, ये कितना बड़ा पान है यार, ये खाया नहीं जाएगा. यही रख लो, यही रख लो. हम वापस में हम होटल में खा लेंगे. यहाँ तो बच्चों की तरह खाऊंगी. खोली, चलो खोलो जाएगा. मैं ले लेती हूँ, मुझे नहीं खाना. दैट्स इट एक्चुअली. आग वाला पान, ये मुंह लड़के. क्या बात है. नहीं नहीं बस, नहीं 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 मैं नहीं 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 पैर पान नहीं. छोटा नहीं 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 करवा. तो यहाँ पे कई सेलिब्रिटीज आ चुके हैं. आमिर खान, देखा होगा आपने बहुत सारी मूवीज में. नाम याद नहीं. ये क्या है? बहुत शानदार. जब पान याद आया आप जब खोलो, आप इसका पाउच है 25 रुपए का. अच्छा, जब याद आओ खोलो. अभी मैं रख लेती हूँ, थोड़ी देर थोड़ा खाओ, पहले थोड़ा खाओ. So it's time to say good night guys. I'm gonna sleep because रात हो गई है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है. See you tomorrow. Bye bye. And अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पता है ना, चैनल सब्सक्राइब करना है. See ya.